और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष, ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है, और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया, तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको, और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्हें कहा लोग समझते नहीं क्या नोबल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उनने कहा भाई वहाँ गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारे लिए आज बदलते दौर में वृक्षों की महत्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है, और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है, मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें, पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं, इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया, आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे, थोड़ा विलंब से आया उसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और आज बोलने से ज़्यादा तो करने का दिन है। हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए, आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।